पाद सेतु बंधासन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एक पाद सेतु बंधासन को करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रख लेंगे आप। फिर इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लेना है। ऐसे अपने शरीर का भार अपने कंधों पर रखिए। स्टार्टिंग में आप अपने दोनों हाथों से अपने कमर के पास ऐसे रखकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास ऐसे रख लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। इसके बाद आप अपने राइट वाले पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लीजिए। घुटना एकदम सीधा, पंजा तना हुआ। 10 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। एक पाद सेतु बंधासन, इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। अब ऐसे ही एक पाद सेतु बंधासन को हम दूसरे पैर से करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट वाले पैर को ऐसे ऊपर को उठाएंगे। घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रख लीजिए और दोनों पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक पाद सेतु बंधासन के बाद आप पश्चिमोत्तान आसन को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आप ऐसे दंडासन में सीधे बैठ जाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। आपकी दोनों कोहनियां जमीन को स्पर्श करें। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे।